वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। अब चूंकि हम डिस्कशन करने वाले हैं कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से, बेसिकली ये है क्या, किस तरह से किन अफराद के लिए ये जो है वो ट्रीट की जा सकती है जिनको कोई बर्न इंजरीज हैं, किसी और तरह की प्रॉब्लम है, कॉस्मेटिक सर्जरी में किस तरह से किया जा सकता है, इस हवाले से मजीद हम डिस्कशन के लिए हमारे मेहमानों में ज्वाइन कर चुके हैं कंसल्टेंट है कॉस्मेटिक्स एंड प्लास्टिक सर्जरी और डॉक्टर अब्दुल मलिक मुजाहिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। सबसे पहले तो हम बात करें कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से, दोनों हैं क्या और दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली जो प्लास्टिक सर्जरी है ये एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स इंक्लूडेड हैं जिसमें हम तीन कंपोनेंट्स को ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास एक कंपोनेंट बर्न का आ जाता है, दूसरा कंपोनेंट कॉस्मेटिक सर्जरी का आ जाता है और तीसरा कंपोनेंट उसको हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। उसके अंदर कैंसर, ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स जो हो जाते हैं, बच्चों के हाथ कट जाते हैं, फिंगर्स कट जाती हैं, इस तरह की चीज़ों को हम डील करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कीजिए तो किस तरह के पेशेंट्स के लिए प्लास्टिक सर्जरी आप लोग देखें? एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी का वही जैसे बताया ना कि इसके अंदर मल्टीपल तीन कंपोनेंट्स हैं, उसमें बर्न वाले पेशेंट्स को डील किया जाता है, कॉस्मेटिक जो खूबसूरती के लिए अपने आप को मजीद बेहतर करना चाहते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनको डील किया जाता है, फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि जो लोग किसी प्रॉब्लम के साथ आते हैं उनको हम डील करते हैं। उन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अंदर उसकी स्किन लॉस हो जाती है, हम उसकी स्किन जो है ना जहाँ पे लॉस हो जाती है उसको किसी दूसरी एरिया से उसकी स्किन को लेके उस एरिया को हम कवर करते हैं। इसी तरह किसी चेहरे पे या किसी और जगह पे उसके कोई कैंसर है, हम उस कैंसर को रिमूव करके फिर वहाँ पे एक डिफेक्ट बन जाता है, फिर उस डिफेक्ट को कवर करने के लिए किसी और जगह से हम स्किन उसकी बॉडी से लेके उस डिफेक्ट को कवर करते हैं। और बेसिकली जो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है टू मोल्ड एंड रीशेप बॉडी स्ट्रक्चर्स, तो हम उनको मोल्ड करते हैं या रीशेप करते हैं डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को उसमें। ठीक हो गया। अच्छा, अब कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कीजिए तो उसमें भी फर्दर बहुत ज्यादा जो के लिए ब्रांचेस के लिए या बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी में बेसिकली क्या क्या आता है? एक्चुअली कॉस्मेटिक सर्जरी में आप अगर देखें तो उसमें मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर से लेके इन्वेसिव प्रोसीजर तक हम जाते हैं। अगर हम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम बात करें, लाइक जो है ना अगर हम हेड से बात करते हैं तो हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, PRP करते हैं, आईलेट सर्जरी की बात करें जब आई बैग्स डेवलप हो जाते हैं उनकी सर्जरी करते हैं, नोज़ की नोज रीशेपिंग सर्जरी करते हैं, लिप ऑगमेंटेशन करते हैं, लिप रिडक्शन करते हैं, फेस लिफ्ट सर्जरी करते हैं, इसके बाद नीचे लाइपोसक्शन, टमी टक, इस तरह से मल्टीपल हमारे उसमें वेरिएंट्स आ जाते हैं जो कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर उसको डील कर रहे होते हैं। अच्छा, कॉस्मेटिक सर्जरी में चूँकि आप चूँकि फिलर्स का, बोटॉक्स का, बहुत सारी चीज़ें आयरन हो गई हैं, सबसे पहले फिलर्स की बात की जाए तो बहुत सारे लोग करवाते भी हैं और रिकमेंड भी किया जाता है, कितने इफेक्टिव होते हैं ये? एक्चुअली जो फिलर्स यूजफुल हैं दैट इज़ बेसिकली फॉर द टेम्परेरी टाइम पीरियड, और उसका टाइम पीरियड जो होता है वो 6 to 8 month तक होता है। उसमें ये हमें असेस करना पड़ता है कि किस पेशेंट को फिलर की ज़रूरत है, किस पेशेंट को बोटॉक्स की ज़रूरत है, और फिर जब हमने उसको इंजेक्ट करना होता है तो उसका एक प्रॉपर मेथड होता है, उसको हमने फॉलो करना है, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर जिसको हम बॉडी के एनाटॉमी कहते हैं उसको देखते हुए हमने करना है, अदरवाइज फिर उसके प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, तो फिलर्स बेसिकली होते किस लिए हैं, एजिंग के साइन को कम करने के लिए? एक्चुअली जब एजिंग के साथ साथ हमारा ये होता है कि फैट बॉडी के अंदर या जैसे फेस के अंदर हम देखें तो रिड्यूस हो जाती है, फैट कंपोनेंट रिड्यूस हो जाते हैं, तो जब वो फैट कंपोनेंट रिड्यूस हो जाते हैं तो वहाँ पे रिंकल्स डेवलप हो जाते हैं, जब रिंकल्स डेवलप होते हैं तो उससे एक एजिंग लुक आती है, तो उस एजिंग लुक को रिड्यूस करने के लिए हम फिलर यूज़ करते हैं ताकि वो वहाँ पे एक रिजुविनेशन प्रोसेस भी ऑगमेंट करते हैं और साथ में उसका वॉल्यूम भी उसको देते हैं, तो दोनों चीज़ों की वजह से फिर फेस का या बॉडी की जहाँ पे भी हम उसको लगाते हैं उसकी शेप यानी कि रिजुविनेट हो जाती है, जो एजिंग प्रोसेस उसका है वो उसको थोड़ा सा रिड्यूस लगता है पेशेंट को। ठीक हो गया। अच्छा, बोटॉक्स भी आपकी डोमेन में आता है, बोटॉक्स बेसिकली क्या है और क्यों लोग ज्यादा रुझान इसका बढ़ चुका है पाकिस्तान में? एक्चुअली बोटॉक्स बेसिकली इसको हम कहते हैं बोटुलिनियम टॉक्सिन, ये क्या करती है कि जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं एसिटाइलकोलीन उसकी रिलीज को रिड्यूस करती है, वो फिर जाके जो है ना हमारे जो मसल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर रही होती है, तो इससे क्या होता है कि जब हम बोटॉक्स जैसे जगह पे इंजेक्ट करते हैं वो मसल जो है ना वहाँ पे एक टेम्परेरी टाइम पीरियड 3 to 6 month के लिए लेस एक्टिव या आप कह सकती हैं इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि जब एजिंग प्रोसेस होता है एजिंग प्रोसेस में जब हम एनिमेशन करते हैं लॉफ करते हैं तो उसमें ये चीज़ होती है कि वहाँ पर लाइन ज़्यादा विजिबल हो जाती हैं तो लोगों को वो चीज़ बुरी लगती है, तो उस बुरी चीज़ को ख़त्म करने के लिए जहाँ पे जब एनिमेशन पे जो है ना उनको लाइन आ रही होती है
उसके अंदर हम बोटॉक्स को इंजेक्ट करते हैं मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर एक प्रॉपर डोज के अंदर, तो उस एरिया में जब उसकी मसल की हाइपर एक्टिविटी को कम कर देते हैं तो वो लाइंस रिड्यूस हो जाती हैं, इसी वजह से जो है ना वो फिर पेशेंट को यंग लुक लगने लग जाती है उस चीज़ में। ठीक हो गया। अच्छा, बर्न केसेस की बात की जाए तो पाकिस्तान में अगर आप चूँकि जो हॉस्पिटल से भी हैं तो वहाँ पर बर्न केसेस की कितनी शरह है, किस तरह के ट्रीटमेंट ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं और कितने क्योरेबल होते हैं? एक्चुअली बर्न हमारे जो है ना मुल्क के अंदर इस तरह से है कि इसकी जो अवेयरनेस है अभी बहुत लोगों को देना ज़रूरी है। बर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा प्रिवेंटेबल काज हैं जो जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे उसकी जो है ना अवेयरनेस इतनी लोगों में नहीं है, जिसकी वजह से बर्न का रुझान काफ़ी है। और हमारे पास तो क्योंकि एक स्टेट ऑफ द आर्ट बर्न सेंटर अवेलेबल है, हमारे पास तो सिंपल परसेंटेज लेंथ के 2-3% से लेके इवन के 50-60-70% तक बर्न, इवन 90% तक बर्न आते रहते हैं, लेकिन उसमें जो सर्वाइवल रेट्स हमने देखा हुआ है जो बर्न सेंटर में पेशेंट्स को एडमिट करते हैं तकरीबन हम 50-55% तक पेशेंट्स को सर्वाइव कर लेते हैं जो ना, अगर वो परसेंटेज ऑफ बर्न उसकी इतनी है तो। जो बाकी हैं उसके अंदर फिर मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, उसकी स्किन सारी लॉस हो जाती है जिसकी वजह से फिर उसमें सर्वाइवल डिफिकल्टी ज़्यादा आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है शहजाद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शहजाद साहब, क्या पूछना चाहेंगे? मैं इनसे डॉक्टर साहब से चाहूंगा पूछना कि मेरे चेहरे पे ना एक निशान आ गया है माथे पे, चोट की वजह से ना वो निशान जा नहीं रहा। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्किन का मामला है जो निशान को खत्म कर सके। एक्चुअली इस निशान के लिए एक तो चीज़ ये है कि ये देखना पड़ेगा कि किस वजह से आया है, दूसरी बात ये है कि इसका कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ है, तीसरी बात ये है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है। ये आप तीनों चीजें शहजाद साहब हमें बता सकते हैं? जी, ये निशान जो है मुझे चोट लगी थी सन 93 में। अच्छा। और इसका जो निशान था ना वो साफ हो गया था, चेहरे के फेस के साथ मिल गया था, लेकिन कुछ ना तकरीबन 6 माह पहले इसमें कोई दाग निकला इसके अंदर से और वो फैल गया। ठीक है, ठीक है। जब वो खत्म हुआ तो वो निशान छोड़ गया, वो निशान जा नहीं रहा। ठीक हो गया, ठीक हो। एक्चुअली ये आपका जैसे बता रहे हैं तो ये काफी पुराना एक चोट का निशान है और जो स्कार मैचुरेशन जिसको हम कहते हैं एक प्रोसेस होता है वो 1-2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर हमने देखना होता है तो हमने देखना है कि स्कार कितना वाइड है, कितना डीप है। अगर वाइड होता है तो उस स्कार को हम रिवाइज कर सकते हैं, अगर डीप होता है तो उसके अंदर हम नीचे फैट इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि उसकी डिप्रेशन खत्म हो जाए। तो उसके लिए एक दफा इवेलुएशन करना जरूरी है, उसके बगैर जो है ना वो हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग शहजाद साहब। नेक्स्ट कॉलर जी बल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं पूछना चाह रही हूँ ये चेहरे पे जो वक्त जो पड़ जाते हैं चुटलियाँ जी, ये मास्क थोड़ा सा टाइट हो सकता है? जो आपके लिए स्किन लटक जाती है उसको थोड़ा आप टाइट करना चाह रहे हैं? आपकी एज क्या है? एज 52। 52, ठीक हो गया जी। बिल्कुल, एक्चुअली एजिंग के साथ मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि जब फैट रिड्यूस होती है, फैट कंपोनेंट कम होते हैं तो उसकी वजह से स्किन लूज हो जाती है। उस लूज स्किन को हम टाइटन करते हैं, उसको हम अपनी प्लास्टिक सर्जरी में फेस लिफ्ट सर्जरी कहते हैं। तो फेस लिफ्ट सर्जरी करके उस लूज स्किन को टाइटन अप किया जा सकता है और एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव किया जा सकता है। कितना अच्छा रहती है? एक्चुअली जो हम सर्जिकली इस तरह से फेस लिफ्ट करते हैं उसके रिजल्ट 8-10 ईयर तक रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिलती साहब, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। अच्छा जनाब, जब भी आप डॉक्टर से बात कर रहे थे क्योंकि हमने फिलर्स और बोटॉक्स को भी डिस्कस किया, आपका अपना ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके वहां से रेड ब्लड सेल को सेपरेट किया जाता है और जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको हम सेपरेट करते हैं। वो फिर हम डिफरेंट डोमेन्स में उसको यूज कर सकते हैं, लाइक हेयर फॉल के लिए उसको यूज कर सकते हैं, फेशियल रिजुविनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पिगमेंटेशन के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, और जैसे मैडम कह रही थी कि स्किन लूजन हो जाती है वहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं, हम पीआरपी को फैट के साथ मिलके भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रिजुविनेशन भी आती है और वहाँ पे वॉल्यूम इफेक्ट भी फैट की वजह से वहाँ पे आ रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा, पीआरपी कितना इफेक्टिव है, कितना अर्सा ये रहता है फॉर द लॉन्ग रन? एक्चुअली जो पीआरपी है इसके हमें सेशंस करने पड़ते हैं, 2-3 वीक्स के गैप से हमें उसका सेशन रिपीट करना पड़ता है। वो आगे जाके जो है ना अपनी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी में जहाँ पे भी हम लोकली इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे उसकी ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करता है और वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। जब वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो उसकी वजह से फिर वहाँ पे हेयर फॉल कम हो जाता है, स्किन की रिजुविनेशन हो जाती है, ये चीज़ें जो है ना उसके अंदर आती हैं। ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम अरमला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत प्यारी लग रही हैं। अरे थैंक यू वेरी मच आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है कि मेरे चेहरे पे ना पूरे चेहरे पे छाइयां सी बन गई हैं, पूरे फेस पे छाइयां बन गई हैं। जी जी आयशा, कोई वजह आपने डॉक्टर को दिखाया? जी दिखाया, डॉक्टर ने कोई मेडिसिन रिकमेंड की थी लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। तो वजह क्या बताई, क्यों है आपको छाइयां? बस वैसे मैंने कहा कि कोई क्रीम तो इस्तेमाल नहीं की थी आपने? हाँ कोई क्रीम इस्तेमाल की थी। हाँ बस फिर यही ऐसा होना था, अभी हम पूछ के बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये जो क्रीमें इस्तेमाल कर लेते हैं ना लोग, actually, बिल्कुल ऐसे इस तरह से है ना कि इसमें मल्टीपल रीजंस आ जाती हैं, जिसमें एक रीजन तो उन्होंने खुद बता दी कि डिफरेंट क्रीम्स उन्होंने ब्यूटी क्रीम यूज की है, उनके साइड इफेक्ट के तौर पे पिगमेंटेशन हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि सन एक्सपोजर की वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है। तीसरी चीज ये है कि प्रेगनेंसी में पिगमेंटेशन का होता है जिसको हम मिलाजमा कहते हैं। तो बेसिकली ये है कि इसको देखना ज़रूरी है। उसमें यही बात है कि फिर हम कुछ क्रीम्स एडवाइस करते हैं, सनब्लॉक एडवाइस करते हैं, और सेम वे जो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि पीआरपी और उसके साथ माइक्रो नीडलिंग हम यूज़ करते हैं, वो भी इस पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में यूज़ होती है। अच्छा ये रिड्यूस होगी, खत्म नहीं होगी? एक्चुअली मैं आप कह नहीं सकता, हर पेशेंट में रिस्पॉन्स उसका वेरिएबल होता है, तो इसलिए वो हर पेशेंट के अंदर देखना पड़ेगा। यूजुअली अगर हम 4 to 6 सेशन करते हैं तो 50 to 70-75% तक उसकी रिडक्शन हो जाती है। ठीक है नेक्स्ट कॉलर जी आदिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी आदिल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मेरे चेहरे पे ना ये जो डॉट नहीं पड़ जाते, जो दाने निकलते हैं वो पड़ चुके हैं, तो मैं उनसे उनके मुतालिक पूछना चाहता हूँ ना। ठीक है आदिल साहब, अभी आपको जवाब लेते जी। एक्चुअली इसको हम पोस्ट एक्नी स्कार्स कहते हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं जो है ना, बाकी वो देखा नहीं है मैंने। इस पोस्ट एक्नी स्कार्स के लिए जो हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट है वो नीचे उसके हम देखते हैं कि स्कार की डेप्थ कितनी है, उसमें फैट इंजेक्ट कर सकते हैं, साथ में हम माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं और उसके साथ माइक्रो नीडलिंग के पीआरपी को कंबाइन कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डीप स्कार हैं तो उसमें हम पहले ये करते हैं कि नीचे हम नीडल डाल के या कैनुला डाल के उस स्कार को ब्रेक करते हैं, जिसको हम कहते हैं सबसीयर, और उसके बाद फिर हम ये प्रोसेस जो आपको बताया वो हम रिपीट करते हैं और इसके मल्टीपल सेशन रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉलर जी हमारे साथ अलीना, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी अलीना, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी करें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब, मुझे ना 5-6 साल से ना एक्नी बहुत हो रही है, ज्यादातर मेरी जो पिंपल्स है ना वो चिन पे आते हैं, और थोड़ी हार्मोन्स प्रॉब्लम भी है मुझे, तो अब मुझे जो आ जाते हैं ना पिम्पल्स, फिर उनका निशान नहीं जाता, कुछ भी लगाती रहूं निशान नहीं जाता, उसके लिए आप मुझे प्लीज कुछ बताएं। एक्चुअली आपसे पहले कॉलर से भी मैं यही बात कर रहा था कि जो एक्नी स्कार्स होते हैं उसकी ट्रीटमेंट भी मैंने उनको बताई है। दूसरी बात यह है कि जो आप हार्मोनल प्रॉब्लम एक बता रही हैं उसको डेफिनेटली एड्रेस करना ज़रूरी है, मे बी आपके हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ हो रही हो। तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि डेंड्रफ अगर हेयर्स में होता है तो डेंड्रफ अगर चेहरे पे गिरता है तो उसकी वजह से भी आपके जो चेहरे के स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो एक्टिवेट होकर वहाँ पे एक्नी करा सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन की रीजन क्या है, बेसिकली हमने तो बेसिकली उसकी रीजन को ट्रीट करना है ना। ठीक हो गया। ठीक, अच्छा बहुत सारी खवातीन को ये शिकायत होती है कि जो एक्नी होती है उसके बाद चेहरे पे निशान रह जाते हैं कहीं ना कहीं, कुछ तो टाइम के साथ साथ ठीक भी हो जाते हैं, कुछ परमानेंटली वो एक्चुअली उसमें इशू एक ये आता है कि हमने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि जब उनको कोई पिंपल निकलता है वो खुद उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही होती है, जब वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है तो उसकी वजह से फिर वो स्कार उसका रह जाता है। तो ये मैं एडवाइस करूंगा कि उसको छेड़े ना, जितना छेड़ेंगे वो उतना बढ़ेगा और उसके स्कार फिर उतने आएंगे। अच्छा एक्ने की वजूहात क्या क्या हो सकती है, जैसे हार्मोनल तो इशू होता है उसके अलावा? एक्चुअली ऑयली स्किन एक वजह हो सकती है, सन एक्सपोजर उसकी वजह हो सकती है, फास्ट फूड जिसकी वजह से स्टोमिक प्रॉब्लम और ये चीज़ें होती हैं उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है, अपने चेहरे के जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो सकते हैं, मैंने डेंड्रफ का बताया वो उसकी रीज़न हो सकती है, तो इसलिए इसकी मल्टीपल रीजन हैं। फिर वो जो आपने क्रीम्स का बताया जो ब्यूटी क्रीम लोग यूज़ करना चाहते हैं वो भी एक वजह हो सकती है, उसके रिएक्शन में ये चीज़ें आती हैं क्योंकि उसके अंदर स्टीराइड और ये चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। अच्छा जो वाइटनिंग इंजेक्शन ये भी आपके डोमेन में है, और ये कितने रिकमेंडेड होते हैं और इसका इफेक्ट कितना होता है? एक्चुअली जो वाइटनिंग इंजेक्शन हैं इसके अंदर बेसिकली ग्लूटाथायोन होता है, जो ग्लूटाथायोन है उसका जो पर्पज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन पिगमेंटेशन की प्रोडक्शन को कम करना।
तो जब हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, हम ब्लड के वेन के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं, वो जब बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट करता है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, उसकी वजह से उसमें इफेक्ट आता है, बट इट इज़ टेम्परेरी। और उससे पहले ये है कि ये चीज़ किडनी और लीवर पे इफेक्ट कर सकती है, इसमें एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, तो इसलिए किडनी लीवर के टेस्ट कराना पहले ज़रूरी होते हैं और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट उसके रिपीट कराना ज़रूरी है कि किसी चीज़ पे इफेक्ट तो नहीं हुआ उसका। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे से अंबर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अंबर, आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज। थैंक यू वेरी मच अंबर, क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर से पूछना चाहूंगी कि मेरे मुंह पे ना छोटे छोटे एक्ने से बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और उस निशान बन जाते हैं, उसके बाद वो निशान जाते ही नहीं है। अच्छा, एज क्या अंबर आपकी? मेरी 24। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अंबर। अभी डॉक्टर साहब वैसे पहले बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपके लिए जवाब दे, मैं दोबारा उसको रिपीट कर लेता हूँ। मैं यही कह रहा था कि जो इसके इश्यूज हैं, जिसके अंदर डेंड्रफ हो सकता है, जैसे एक पीछे मैडम ने बताया हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, सन एक्सपोजर हो सकता है, ओवर एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड बॉडी के हो सकते हैं, इसमें भी तो एक्ने का प्रॉब्लम बिल्कुल होता है। एक्चुअली टीन एज जब आती है ना, तो उसमें हार्मोनल जिसको हम सर्ज कहते हैं, यानी कि हार्मोन्स एक सडनली एक्टिवेट होते हैं जब प्यूबर्टी आती है, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ उस टाइम में सर्ज करती है और खुद ब खुद बाज़कात ये रिड्यूस कर जाती है। उसमें मैं यही कह रहा था कि इसको छेड़ना नहीं है ज़्यादातर, इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि जब हम छेड़ते हैं या तोड़ते हैं उसकी वजह से फिर स्कार रह जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि सन एक्सपोजर मैं कहूँगा कि मिनिमम रखें, सन ब्लॉक यूज़ करें ड्यूरिंग द सन टाइम्स, एवरी 4 आवरली आप चेहरे के ऊपर लगाएं, पानी ज़्यादा पिएं, सिट्रस चीज़ें लें, ये उस चीज़ को रिडक्शन में हेल्प आउट करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जो बात करें कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी की, साइड इफेक्ट्स की भी बात करें, इसके साइड इफेक्ट्स हैं? हर प्रोसीजर के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, प्रोसीजर टू प्रोसीजर वेरिएबल होता है, मतलब कोई भी हम मिनिमम प्रोसीजर करते हैं तो वो साइड इफेक्ट से खाली नहीं है, इसलिए हम ये हमेशा रिकमेंड करते हैं कि एक आप ट्रेंड प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन या डर्माटोलॉजिस्ट जिनको इन चीज़ का प्रॉपर नॉलेज है उनके पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाएं, ना कि किसी क्वैक्स के पास जाएं, फिर वो आप अपनी ब्यूटी की बजाय जो है ना अपने चेहरे को और बाकी चीज़ों को खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर जी इकरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इकरा क्या पूछना चाहेंगी? मेरी ना बेटी है 5 साल की। ठीक है। तो उसकी ना मुझे 1 साल की थी ना, उसकी बाजू पे ना चाय गिर गई थी, चाय से ना उसकी सारी झील थी ना वहाँ से खराब हो गई है। अच्छा, बाजू के ऊपर? हाँ, बाजू के ऊपर, कोनी से कोनी वाली साइड पे ना। तो जिन डॉक्टरों को दिखाया ना, उन्होंने ये कहा कि इसकी सर्जरी होगी। ठीक है, तो उसके लिए कोई अगर हल है तो ठीक हो गया। इकरा भी जवाब लेते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक्चुअली जो आप बता रही हैं कि बाजू के ऊपर निशान है, तो उसमें यही है कि निशान को देखना ज़रूरी है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि कितना वाइड है, कितना डीप है, आया अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो उसकी कितने हद तक सर्जरी से उसको ठीक किया जा सकता है, या सर्जरी के अलावा जो हमारे मैनूवर्स हैं जिसमें हम उसको पिगमेंटेशन अगर हुई हुई है तो उसको रिड्यूस करने के लिए, या अगर उसकी डीप स्कार है वाइड नहीं है तो उसमें हम फैट इंजेक्ट कर सकते हैं, तो एक दफ़ा देख लेंगे तो फिर उसके बाद आपको प्रॉपर उसका जवाब हम दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप बता रहे थे साइड इफेक्ट्स प्रोसीजर उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, कॉलर आ गई हुमेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर, मेरा बेटा 16 साल के, तो 5 साल पहले 5 साल का था उस वक्त, उसके ना चीक्स पे कट का निशान आ गया, गिर गया और वो कट लग गया, और डॉक्टर साहब ने उस वक्त फौरन इमरजेंसी में ले गए, तो डॉक्टर साहब ने स्टिच कर दिए और वो स्टिचिंग के निशान अभी तक हैं। अभी माशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर में है, तो मैं चाह रही हूँ कि उसका वो रिमूव हो जाए, तो उसके लिए मुझे आपसे अगर मिलना है तो कहाँ कैसे? ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले तो हम डॉक्टर साहब जवाब ले लेते हैं हुमेरा का जी। एक्चुअली इस तरह से है, मैंने पहले भी एक कॉलर को एडवाइस किया है कि जो स्कार मैचुरेशन टाइम होता है वो अप टू 2 ईयर्स तक होता है, उस टाइम तक अगर कोई स्कार है उसमें हम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते होते हैं। उसके बाद ये है कि स्कार जब मेच्योर हो जाता है तो फिर उसकी विड्थ और डेप्थ को देखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि स्कार को रिवाइज करने की ज़रूरत है, या स्कार के अंदर फैट इंजेक्ट करने की ज़रूरत है, या उसमें माइक्रो नीडलिंग की और पीआरपी की ज़रूरत है। उसके लिए एक दफ़ा उसको देखना ज़रूरी है। और बाकी अकरम मेडिकल कम्प्लेक्स है जेल रोड के ऊपर, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, अगर आप मेरे पास चेकअप के लिए आना चाहती हैं तो वहाँ पे आप आ सकती हैं। अच्छा जनाब डॉक्टर साहब, चूँकि अभी हम साइड इफेक्ट्स का मैं वही सवाल दोबारा करूँगी, कुछ लोगों का प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के वाले से मिसकंसेप्शन है। प्लास्टिक सर्जरी को समझते हैं कि आपकी शक्ल बदल जाती है, इस तरह के मामला भी होते हैं, और कॉस्मेटिक सर्जरी के कहा भी जाता है कि उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिलर्स के या हम बोटॉक्स कराते हैं, इस तरह की चीज़ें, तो ये मिसकॉन्सेप्शन
मिसकंसेप्शंस हैं या क्या है ये आप हमें क्लियर करें। एक्चुअली देखें, मिसकंसेप्शंस की बात की जाए या मतलब उसकी रियलिटी की बात की जाए, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट अगर आप प्रॉपर पर्सन से जो है ना ट्रीटमेंट नहीं करा रही तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लाइक अगर हम फिलर की बात करते हैं, फिलर अगर हम किसी ऐसी जगह पे इंजेक्ट कर देते हैं क्योंकि नीचे स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स चल रही होती हैं, अगर वो किसी ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक होने की वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो है ना वो उस एरिया की स्किन की ब्लड सप्लाई जा सकती है और वो स्किन आपकी डेड हो सकती है। सेम वे यहाँ पे आइज़ के अराउंड आर्टरीज होती हैं, जब हम आइज़ के नीचे यहाँ पे फिलर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, अगर हम प्रॉपरली उसको नहीं इंजेक्ट करते, प्रॉपर डेप्थ प्रॉपर लोकेशन में नहीं करते, तो वहाँ पे आइज़ की जो वेसल्स होती हैं उनको डैमेज हो सकता है, तो पेशेंट को ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो इसीलिए ये है कि मतलब प्रॉपर पर्सन के पास जाना जरूरी है, के पास बिल्कुल ना जाएं। और ये मामला बड़ा सेंसिटिव, मेरे तो ख्याल है नेचुरल चीजों से क्योर कर लें, इन चक्रों में कहाँ पड़ेंगे। असलम साहब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी असलम साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, जो बालों को जो कलर लगाने से मुझे एलर्जी हो जाती है, उसका क्या हाल है? बालों को कलर लगाने से, डाई करने से आपको एलर्जी? एलर्जी में किस तरह की एलर्जी होती है आपको? एलर्जी यानी कि दाने से जिलत पे निकलाते हैं मुझे। स्किन पे या सर की स्किन पे या फेस पे? नहीं सर की स्किन पे, सर पे और कानों के बीच। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया असलम साहब। एक्चुअली जो आप डाई कलर यूज कर रहे होते हैं उसके अंदर मल्टीपल केमिकल्स होते हैं। अब उन केमिकल्स की वजह से अगर आपको एलर्जी हो रही है तो आपको सबसे बेहतर होगा कि आप अपना डाई कलर चेंज करें, ताकि जो कलर आपको सूट नहीं कर रहा तो वो आप चेंज करके दूसरा यूज करके देखें। और कुछ लोगों होती है और अमोनिया फ्री डाई मेरे ख्याल से बेहतर होता है, वो बेहतर होता है, बेहतर है। लेकिन ये है कि क्योंकि यूजुअली इन डाइज के अंदर कोई ना कोई केमिकल्स होता है तो वो किसी भी पर्सन किस टाइम रिएक्शन कर सकता है। ठीक हो गया, अनाबी है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जल्दी से अपना सवाल बता दे, हमारे पास टाइम कम। जी जी, मेरा सवाल ये है कि मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरी स्किन बहुत लटक गई है, मैं अगर चार बैठती हूँ महफिल में तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती अच्छा, है। आपकी एज क्या है नाविया? इलाज उसका क्या? एज मेरी 60 है तकरीबन। 60 है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नावी साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। उनकी स्किन लटक गई है, वही एक्चुअली उसके लिए तो वही एजिंग का हमने बताया था, तो उसके लिए फेस लिफ्ट के लिए आपकी असेसमेंट जरूरी है, तो अगर आप फेस लिफ्ट की कैंडिडेट हैं तो वो आप कराएं जो जरूर जरूर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। जनाब आज हमने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स के साथ आपसे बात भी की जाए और प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी के हवाले से भी डिस्कशन की। अभी लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।